तो सभी को हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप अभी तक हमारे इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आज बात करते हैं, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए। इस प्रकार कोई FIR दर्ज नहीं होती इसको, तो मैं इस तीन प्रकार के आपको तरीके बताऊंगा, उससे आपको 100% आपकी FIR दर्ज होगी। मान लो दोस्तों, किसी भी मैटर को लेकर या किसी भी चीज को लेकर या लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आप सर्वप्रथम कहाँ FIR दर्ज करानी पड़ती है, ये मैं तीन महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताऊंगा, तरीके बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। सबसे पहले नंबर एक, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट हो जाती है या किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो आप सबसे पहले एक प्रार्थना पत्र, जो भी घटना हुई है सारी घटना का विवरण उसमें डालें, कौन कौन उस मौके पे उपस्थित है, वो सारी चीज़ें आपको उस FIR में लिखनी पड़ेगी। अगर आपको FIR नहीं लिखनी आती तो आप किसी वकील के माध्यम से या थाने में जाकर संबंधित जो भी थाना कॉन्स्टेबल है प्रभारी वो आपकी FIR लिखेगा। मान लो आपकी सारी घटना होने के बाद आप FIR लिख के या वकील के माध्यम से लिखवा के आप थाने में चले जाते हैं, उसके बावजूद मान लो थाने वाला ये कहता है कि आज थाने अधिकारी नहीं है, आज वो नहीं है, सारी चीज़ें अगर गोलमोल करता है तो आप को ये कहता है कि 2 दिन बाद में आके आप FIR आपकी दर्ज कर ली जाएगी। मान लो इस कंडीशन में अगर आपकी FIR दर्ज नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हैं, मान लो थाने से आपकी FIR दर्ज नहीं होती है तो आप जो एप्लीकेशन आपने दी थी थाने में उस एप्लीकेशन के साथ एक एप्लीकेशन और लिखिए, जो SP के नाम लिखिए, और SP के नाम उस एप्लीकेशन की प्रति उसके पीछे लगा दीजिए जो थाना अधिकारी को आपने दी थी। मान लो आपको जैसे ही SP के पास जाओगे तो आप ये कह सकते हो कि मैंने 2 दिन पहले पुलिस थाना अधिकारी को दी थी लेकिन उन्होंने आज दिन तक FIR दर्ज नहीं किए। उसके बाद अगर थाना अधिकारी की ये सारी चीज़ें घटना बताने के बाद SP भी अगर आपकी FIR दर्ज नहीं करता है तो आप अब रास्ता कौन सा है आपका। नंबर तीन, मान लो SP दर्ज नहीं करता है तो नंबर तीन में आपको कोर्ट की शरण या न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। किसी भी वकील के माध्यम से आप वहाँ जाइए, सारी घटना बताइए, जो एप्लीकेशन आपने दी थी वो सारी वकील को दीजिए और उस वकील के माध्यम से आप एक इस्तगासा संबंधित जो एरिया है उस मजिस्ट्रेट में आप वकील के माध्यम से पेश किए, और पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट को ये लगे कि वास्तव में ये घटना सही है, कारित हुई है, तो वो उसमें या तो आपके बयान ले सकता है या बिना बयान वो 156(3) में दर्ज करने के लिए पुलिस जो संबंधित थाना है वहाँ भेज सकता है। इसलिए दोस्तों, जो मैंने तीन तरीके बताए, अगर आप इस तीन तरीकों को अपना लोगे तो आपकी 100% आपकी FIR दर्ज होगी।